धनबाद की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी सीएनजी से चलने वाली ऑटो। बढ़ते पोल्यूशन के मद्देनजर झारखंड सरकार ने उठाया कदम। सरकार के निर्णय के आलोक में डीटीओ ने ऑटो संघ के साथ की बैठक। सरकार का निर्णय, डीजल ऑटो पर लगेगी रोक। संघ ने मांगी 6 माह की मोहरत। शहर में जल्द सीएनजी से चलने वाली ऑटो का परिचालन शुरू होने जा रहा है। सड़कों पर अब डीजल ऑटो नहीं चलेगी। जिले में बढ़ते पॉल्यूशन के मद्देनजर सरकार यह कदम उठाने जा रही है। सरकार के इस निर्णय के आलोक में धनबाद जिला ऑटो संघ का एक प्रतिनिधि मंडल छोटन सिंह की अगुवाई में जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश से मिलकर उन्हें परेशानियों से अवगत कराया गया। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। कार्यालय में बैठक हुई थी ऑटो संघ की, क्या उस पर बात हुई या क्या निर्णय हुआ है? हम लोगों को साथ डीटीओ ओम प्रकाश शर्मा और ये अभी जो यादव जी हैं, ये बताया हम लोग को कि सीएनजी आने वाला है शहर में। यहाँ प्रदूषण सरकार के अनुसार प्रदूषण धनबाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसको देखते हुए जितने भी ऑटो हैं डीजल ऑटो, यहाँ से कुछ महीना के बाद हटाए जाएंगे, उनको कन्वर्ट किया जाएगा सीएनजी में। तो इसी के पर हम लोग को डिस्कस हुआ है। हमने बोला लोगों डीटीओ साहब के, कोरोना काल में तभी ऑटो वाला ऐसे ही भुखमरी के कगार पर है और इतना जल्दी अगर करेंगे तो सक्सेस नहीं होगा, इसके लिए कुछ समय चाहिए, लंबा समय। पूरे धनबाद में कितने ऑटो हैं? पूरे धनबाद में रजिस्टर्ड हैं 9000। तो क्या बोले आप, क्या बोले? तो हम शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में बोले? नहीं, ये पूरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। पूरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में चलती है मात्र 6000 5000 6000 डेली नगर निगम क्षेत्र में। सारे ऑटो को कन्वर्ट करने बोल रहे हैं सीएनजी में? हाँ, पूरे ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए आदेश आ रहा है। आप लोगों ने क्या बोला? हम लोग समय मांगे हैं, इसको देखते हुए कि डीजल का रेट जिस तरह से बढ़ रहा है, सीएनजी के जो आए तो कुछ रेट कम हो रहा है, उसका एवरेज भी बढ़िया है, लेकिन अभी ऑटो मालिक के पास उतना पैसा है नहीं जो तुरंत कन्वर्ट करे, इसके लिए समय देना पड़ेगा, साल डेढ़ साल लग जाएगा। आप उनकी बातों का सहमति जता दिए? सहमति नहीं जताए हम लोग, जिस तरह से बातचीत हुआ है तो हम लोग अभी निर्णय लिए हैं कि ठीक है, अगर वैसा कन्वर्ट करेगा लोग और एक्सचेंज करेगा फिर देखा जाएगा, अभी तुरंत की बात तो कुछ है नहीं, अभी समय 6 महीना का समय है। अपना परिचय दीजिए। छोटन सिंह, धनबाद जिला उप महासचिव अध्यक्ष।